अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ शेख इम्तियाज और आप देख रहे हैं नॉलेज शेख। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे दो नाम का वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी फजीलतें और बरकतें कई सारी है, और जो भी आपकी हाजतें होगी वो भी इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी पूरी हो जाएगी। अगर माल दौलत के हवाले से परेशान हो, अगर कर्ज के हवाले से परेशान हो, या फिर कारोबार के हवाले से परेशान हो, किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व ताला के ये दो नाम अगर आपने पढ़ लिए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप भी उस अमल को जानना चाहते हैं, वीडियो में बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम, जो लोग भी रिस्क के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क में फरावानी अता फरमाई। जो रिस्क में बरकत चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाई, कारोबार के अंदर भी कामयाबी अता फरमाई। और जो जो लोग भी कर्ज के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से छुटकारा अता फरमाई। आमीन या रब्बल आलमीन। अब आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, अमल का तरीका आसान है, करना ये है कि आपको किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर लेना है। जब अमल शुरू करें तो सबसे पहले तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के ये दो नाम या समीउ या बसीरु, ये आपको 100 मरतबा पढ़ लेने हैं। या समीउ या बसीरु ये एक मरतबा हुआ, या समीउ या बसीरु ये दो मरतबा हुआ। इस तरीके से आपको 100 मरतबा ये दोनों नाम एक साथ पढ़ने हैं। आखिर में तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी मुरादें और तमन्नाएँ हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे इस अमल को करने के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरी फरमाएगा। रिस्क में फरावानी भी होगी, बरकतें भी होगी, कारोबार में कामयाबी भी होगी, और कर्ज से छुटकारा भी मिलेगा। तो ये अमल आप ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।